अब विश्राम करो वत्स। गुरुदेव, श्रेष्ठ धनुर्धर भव, आओ। ये वो परशुराम जी हैं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार अत्याचारी क्षत्रियों के विरोध में शस्त्र उठाए और भारतवर्ष को लगभग क्षत्रियों से सूना कर दिया और जीती हुई पृथ्वी प्रजापति कश्यप को समर्पित कर दी। प्रजापति के पुत्र सूर्य और सूर्य से सूर्यवंश, और जब उस सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया तब उन्हें विष्णु का धनुष देकर इन्होंने अवकाश ले लिया। परंतु गंगा पुत्र देवव्रत के सिवा किसी क्षत्रिय को अपना शिष्य नहीं बनाया। वाण में धनुर्धर के प्राण होते हैं कर्ण, अर्थात ये धनुर्धर का पहला कर्तव्य है कि वो अपने वाणों को अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय का साथ देकर कभी अपमानित ना करे, क्योंकि यदि कोई धनुर्धर अपना ये कर्तव्य भूल जाएगा तो उसी क्षण उसके तुणीर के सारे वाण निष्प्राण हो जाएंगे और विद्या उसके पास से यूं चली जाएगी जैसे इससे पहले उसके पास कभी रही ही ना हो। गंगा पुत्र देवव्रत के पश्चात आज तक किसी गुरु को तुम जैसा योग्य शिष्य नहीं मिला कर्ण, परंतु यदि तुमने वाणों की मर्यादा भंग की तो गुरु दक्षिणा में दी हुई मैं अपनी सारी शिक्षा तुमसे उस समय वापस ले लूंगा जिस समय तुम्हें उसकी बड़ी आवश्यकता होगी। तुम यहां से जब भी जाओगे वत्स, गुरु दक्षिणा दिए बिना ही जाओगे। शिष्य सरल सत पात्र को फलता है गुरु ज्ञान, गुरु की राखे आन जो रहे उसी की आन, रहे उसी की आन। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सुदामा। आज्ञा गुरुदेव। जाकर गुरुमाता से कहो कि परशुराम जी के लिए भोजन का प्रबंध करें। जो आज्ञा गुरुदेव। मैंने प्रणाम किया और आपने आशीर्वाद भी नहीं दिया ऋषिवर। तुम्हें आशीर्वाद की आवश्यकता कब से पड़ने लगी वासुदेव कृष्ण? फिर भी तुमने आग्रह किया है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। आपके दर्शन का प्रसाद मिल गया, यही सबसे उत्तम आशीर्वाद है। अब लीलाएं छोड़ो वासुदेव, मैं यहाँ स्वयं नहीं आया हूँ, मुझे तुमने बुलाया है। तो आदेश दीजिए ऋषिवर। तुम्हें क्या आदेश दूं? आदेश समझो तो यही है और आशीर्वाद समझो तो भी यही है। मैंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम के युग में ही अवकाश ले लिया था, परंतु क्षत्रिय फिर टेढ़ी चाल चलने लगे हैं। लो संभालो अपना शस्त्र। और संभालो अपने युग को। क्षत्रिय होने का अर्थ यह नहीं कि किसी को समाज की छाती में उतर जाने का अधिकार मिल गया हो। माखन बहुत खा लिया, मुरली बहुत बजा ली, लीलाएं बहुत कर ली वासुदेव, अब वो कार्य करो जिसके लिए पृथ्वी पर आए हो। पहले मथुरा जाओ, इस पर जरासंध आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है। कंस वध किया तुमने और भुगत रही है मथुरा नगरी। जो आज्ञा। धर्म कर्म निश्चित करो,
सुनकर समय पुकार, जग में आए किस लिए, इसका करो विचार। तुम्हारी शिक्षा तो समाप्त हो चुकी है वत्स, अब गुरु से बिछड़ने का समय आ गया है। आपने तो यह कह दिया था गुरुवर कि मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना ही चला जाऊं, परंतु मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना कैसे चला जाऊं? तुम्हें शिक्षा देने में जो मुझे आनंद मिला उसी को गुरु दक्षिणा मान लो वत्स। तुम्हारे जैसे योग्य शिष्य कहां मिलते हैं आजकल किसी गुरु को। किंतु ये सदैव याद रखना कि तुम एक ब्राह्मण हो और क्षत्रिय धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और यदि तुम ये देखो कि क्षत्रिय अपने धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनका विरोध करो, जैसे मैंने किया था। तुमने अपनी रक्षा क्यों नहीं की वत्स? यदि मैं अपनी रक्षा करता तो आपके विश्राम की रक्षा नहीं कर पाता गुरुवर। विद्या अपने गुरु से झूठ बोलने वाले के काम नहीं आती कर्ण। मैंने क्या झूठ बोला गुरुवर? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, बोलो तुम, क्योंकि ब्राह्मणों में यह सहन शक्ति हो ही नहीं सकती। तुम क्षत्रिय हो और ब्राह्मण बनकर मुझसे शिक्षा ग्रहण करते रहे। मैं तो एक सूत पुत्र हूं। नहीं, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। यह सहन शक्ति क्षत्रियों के अतिरिक्त किसी और में हो ही नहीं सकती। तुम क्षत्रिय हो और तुमने अपने गुरु के साथ कपट किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब ये विद्या तुम्हारी किसी काम नहीं आएगी। मुझे बस एक दिन के लिए अपने शाप से मुक्त कर दीजिए।
एक दिन के लिए। कल का ही तो एक दिन है कर्ण, कल का ही तो एक दिन है कर्ण, कल ही का तो एक दिन है कौंते कर्ण, बस कल ही का तो एक दिन है सूर्य पुत्र कर्ण, और इसी एक दिन के लिए ही तो मैंने तुम्हें शाप दिया था। हे पुत्र, इस युद्ध में विजयी होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए तुम विजयी हो भी गए तब भी कंगाल हो जाओगे। हे दानवीर, विजय पर पांडवों का अधिकार है और तुम लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो कर्ण, तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो। अपने भाग्य से संधि कर लो। अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के ऋण से मुक्त हो चुके हो। सब कुछ जानकर अनजान ना बनो। मेरे आशीर्वाद की छाया में जाओ कर्ण। मर्त्यलोक हो चाहे स्वर्ग लोक, जब भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा, सभी वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम का जय जयकार करेंगे।